हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे, रिजोल्यूशन पढ़ रहे थे। देखो, किसी वेक्टर को रिजल्ट करने आना चाहिए। शुरू में परेशानी होती है क्योंकि आप लोग 10th पास किए हैं, लेकिन बाद में ठीक हो जाता है। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। लेकिन हम चाहेंगे कि थोड़ा और प्रैक्टिस कर लें, बस थोड़ा सा। जैसे मान लो कि हम एक सवाल दे रहे हैं, वेक्टर ए और कोई वेक्टर बी। कुछ बच्चे क्वेश्चन देख रहे थे, गलती किए हैं, ठीक ना? कुछ क्वेश्चन दिए थे, बच्चे बनाए थे, गलती किए हैं। ये मान लो कि ये 5, क्या है 5, और ये मान लो कि 10, ये है आपका 37 डिग्री। प्रैक्टिस कीजिए। तो कोई पार्टिकल ओ से ए चला गया और ए से बी चलाया, ओ से ए चलाया, ए से बी चला गया, क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट? कोई बात नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कहो ओ बी, या कहो कि ओ ए प्लस ए बी, क्या हुआ? बात एक ही है। अगर हम कहें कि ओ ए प्लस ए बी क्या होगा या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बात एक ही है। चलो, तो क्या करेंगे? ओ ए प्लस ए बी, ध्यान दो, लिखा मत। जैसे हम ऐसे लिखते हैं, ई हो गया आई, तो ऐसे लिखते हैं तो क्या हो गया? माइनस आई। ऐसे लिखे तो क्या हो गया? जे। ऐसे लिखे तो क्या हो गया? बोलो, माइनस जे। उबिएगा नहीं, प्लीज। देखो, ओ ए ऐसे, ठीक, लिखो 5i, बस। पर इसको कंपोनेंट नहीं तोड़ना है। कुछ बच्चे देखे हैं कि सब को तोड़ दिया है, तो समझ में नहीं क्या करना है। हर रही आराम से, जैसे कि जो x में ऑलरेडी है उसको क्यों तोड़ेंगे? कंपोनेंट उसका टूटता है जो कुछ x में भी है और कुछ y में है। मोटा मोटी ठेठ में तिरछा, तो जो भी तिरछा होगा उसको कुछ x मिलेंगे, कुछ y मिलेंगे, ठीक। लेकिन ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर है, ऑलरेडी वाई पर है, ऑलरेडी जेड पर है, उसका कंपोनेंट नहीं लेंगे, ठीक। वो तो ऑलरेडी कंपोनेंट है, ठीक है। तो देखो, ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर है, सीधे 5i हो गया, ठीक। लिखे नहीं, अभी दो समझ लीजिए, उसका कुछ नहीं। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो इसका कंपोनेंट लेंगे, इसका नहीं लेंगे, इसका लेंगे। लिखेंगे, अब सिखा चुके हैं, 37 है ना, कोई बात नहीं, 37i प्लस 10 sin 37 j। अच्छा, कुछ बच्चे i भी ठीक से नहीं लिखते हैं, i ऐसे होता है और j ऐसे होता है, इसमें क्या सिखाना है? i और j लिखना है, लेकिन जरूरी है। अब आप खुद कर लीजिएगा, समथिंग i समथिंग j, यानी कि आई को एक साथ कर दो और जे को एक साथ कर दो, ठीक है। इसको लिख लो, इसके आगे हमने बताया। आपको सिर्फ सिखाना है, आपको कंपोनेंट तोड़ना बहुत जरूरी है। ये नहीं सीखे तो कुछ सीखे ही नहीं, और ये चीज सीख गए तो कुछ सीखना भी नहीं है, सभी तो बात नहीं। इसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई वेक्टर है, ओ से ए चला गया, ठीक है। ये मान लो 37 है और ये मान लो 10 मीटर, ये मान लो कुछ ऐसे लगे, ये मान लो 20 मीटर, कुछ कुछ मान रहे हैं, ये मान लो कि ये अभी 53 डिग्री पर है। आपको हम बताए थे 53 37 क्यों लेते हैं, ताकि गुणा भाग करने में आसानी हो, और कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो कि साइन 37 याद हो गया होगा, पॉइंट बोलो 0.6, कॉस 37 बोलो 0.8, साइन 53.8, कॉस 53.6, ठीक है ना। अब ओ से कहा गया ए के पास, ए से कहा आया बी के पास, तो डिस्प्लेसमेंट पूछे या कहे कि फाइन ओ ए प्लस ए बी, लिखो क्वेश्चन। चलो हम लिख लिए, आंसर क्या हो डायरेक्ट। अब हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे,
OA प्लस AB, OA एरो है, इसका कॉम्बन टूटेगा नहीं टूटेगा, टूटेगा क्योंकि तिरछा है, क्योंकि तिरछा है, ये टूटेगा नहीं टूटेगा, टूटेगा क्योंकि तिरछा है। अब बचा कोऑर्डिनेट तय करना, कोई बात नहीं है, इसको मन में क्रॉस करेंगे, मन में ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, किसमें है बोलो, फर्स्ट में। ये बउआ करने आना चाहिए cos 37, ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, ये cos 37 आई, sin 37 बउआ करो करो करो, जी जी आई जे में कंफ्यूज मत हो, आई एक्स एक्सिस पर, जे वाई एक्सिस पर, ये तुम्हारा आई वाला है, ये क्या है जे, ये कॉस है क्या है साइन, एंगल बेस कॉस, ये 37 डिग्री कितना हुआ 37, खुद करो। ये किस कोऑर्डिनेट में बोलो, तो ये फोर्थ में है, बता चुके हैं ये फर्स्ट में और ये कितना हुआ थर्ड में, ये आपका फोर्थ में ऐसे घूम जाएगा, तो फर्स्ट में सॉरी सेकंड में ऐसे, फोर्थ में सेकंड में फर्स्ट में और थर्ड में एरो, तो ये एरो ऐसे है, किसमें है फोर्थ में आई पॉजिटिव ये नेगेटिव, आई पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये 53 है, एंगल बेस कॉस लिखेंगे यहां पर 20 cos 53, 20 sin 53 नहीं लिख सकते मन में, लिखेंगे 20 बोलो cos 53 i माइनस 20 sin 53 j, ठीक। अब खुद गुना बात खुद करो, x को एक साथ y को एक साथ, ठीक लिखो, और गुना भाग नहीं करेंगे, तो खुद करो, मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन निकालो, जो करना है करो, लेकिन खुद करो, ठीक। जैसे कि एक लास्ट, मान लो कि ये ब्लॉक, मान लो कि ब्लॉक ये मान लो कि कुछ मान लो चल ए ही नाम दे, ये अपना दिए 10√2 न्यूटन फोर्स खींच रहे, कितना से बोलो 10√2 न्यूटन फोर्स है, ये दिए 45 डिग्री पर, मान लो इसका वैल्यू है F1, क्या है F1, तुम्हारा कोई फ्रेंड है कहता है कि नहीं हम भी खींचेंगे 45 पर ही खींचेंगे, चलो हम खींचेंगे 20√2 से, तुम्हारा फ्रेंड खींचा कि नहीं हम 20√2 से खींचेंगे, कितना से 20√2 न्यूटन से 45 पर, तुम्हारा फ्रेंड का फ्रेंड कहता है कि नहीं हम भी खींचेंगे, चलो कहता है हम इधर खींचेंगे, करो ना ये सब खाली कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं, सिंपल जोड़ एंगल बेस कॉस, बोलो एंगल बेस कॉस, कॉस को बेस पसंद है, कॉस को बेस पसंद है, ठीक। ये मान लो कि 20, चलो ये मान लो कि 37 डिग्री, कुछ भी 37 डिग्री पर, तो आता है इतना ही ना देखो खींचे, चलो ये वो कहता है कम धक्के लगेंगे, चलो 50 न्यूटन धक्का खा लिया, ऐसे धक्का दे दिया, जो मन में F1 मान लो, F2 मान लो, F3 मान लो, F4 मान लो, अब रात बहुत हो गया, कहेगा कि ब्लॉक किधर जाएगा, ब्लॉक किधर जाएगा, फिर से एक ब्लॉक को किसी स्टूडेंट ने ऐसे खींचा, उसका फ्रेंड ने ऐसे खींचा, फ्रेंड के फ्रेंड ने ऐसे खींचा, और उसके फ्रेंड ने ऐसे खींचा, किधर जाएगा, तो किधर जाएगा का मतलब फाइनली रिजल्ट निकालना, क्या निकाला है रिजल्टेंट, देखो रिजल्ट तो एग्जाम दिया है तो कुछ तो परिणाम आया, किसी को डिस्टिंक्शन आया होगा, कुछ आया होगा, कोई भी काम करते हो तो फाइनली रिजल्ट क्या आता है, जैसे कि ये खिंच रहा है तो इसका रिजल्ट क्या हो, परिणाम फाइनल, ठीक। तो यहां जो है रिजल्टेंट निकालना होगा, या किधर जाएगा, या उससे भी आसान कर दो, थकेगा फाइंड अभी जो बच्चा है, इसलिए रिजल्टेंट पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे,
लेकिन जहां रिजल्ट का मतलब परिणाम, दो आदमी लड़ लिया क्या रिजल्ट हुआ, एक जोर रहा है घटा रहा है क्या रिजल्ट हुआ, इसका रिजल्ट क्या होगा, हर का अलग रिजल्ट होता है। तो रिजल्टेंट निकालने का मतलब हर जगह अलग अलग होता है, कहीं जोर के रिजल्ट निकालते हैं, कहीं घटा के रिजल्ट निकालते हैं, कहीं मल्टीप्लाई का रिजल्ट निकालते हैं, या बहुत सारा तरीका रिजल्टेंट निकालने का। तो रिजल्टेंट कह दे उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सिचुएशन के आधार पर हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। ओके चलो, तो फाइन क्या करते हैं, जोर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 है कि नहीं, जोड़ना है। चलो तो पहले तो क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन लिख के फोटो बनाओ, ठीक है। अब तो कोऑर्डिनेट समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो ठंडा पानी पी लो। चलिए अब देखो, देखो ए बी पे F1 कितना होगा, F1 ए किस कोऑर्डिनेट को, यहां से लेते यहां से, यहां से F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 रिजल्टेंट देखो क्या होगा। F1 किस कोऑर्डिनेट में, बोलो लिखो अपने से, लिखो अपने से, बनाओ पॉज करके बनाओ, गलती बनाओ, गलत बनाओ, गलत सही नहीं बनाना है, गलत बनाना है, गलत बनाओ, घसो घसो घसो। चलो ये फर्स्ट पॉइंट में लिखेगा 10√2 cos 45i प्लस 10√2 sin 45j, i और ये j, cos 45i प्लस sin 45j, ठीक है। अच्छा F2 इस कोऑर्डिनेट किसमें है, इसमें इसमें है, फोर्थ में कि सेकंड में, फोर्थ में, इसका i पॉजिटिव j नेगेटिव, तिरछा है या थोड़ा थोड़ा जो तिरछा होगा उसका कंपोनेंट लेंगे, जो तिरछा होगा उसका कंपोनेंट लेंगे, जो तिरछा होगा उसका कंपोनेंट लेंगे। तो ये तिरछा है, चलो पॉजिटिव नेगेटिव एंगल बेस कॉस 20√2 cos 45i माइनस माइनस 10 sin 45j, जिसको नहीं समझ में आता होगा बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए उसको बार बार दो बार तीन बार लिख लिख के बनाओ, अपने आ जाए, उबना नहीं बनाना है। ये किस कोऑर्डिनेट में, बोलो ये थर्ड में है, थर्ड में जानता होगा, थर्ड में दोनों निगेटिव, ये भी निगेटिव, कॉस किसके साथ जाएगा, बेस के साथ, कॉस किसके साथ, बेस के साथ, कॉस को बेस पसंद है, कॉस किसके साथ, बेस के साथ, इसका बेस ये है, इसका बेस ये है, इसका बेस ये है, बड़ा वो बनाए हुए, तो कितना होगा माइनस 20 cos 37i माइनस 20 sin 37j, दो नेगेटिव हो गया, अरे कॉस साइन। अब ये सीधे बुक्स कर रहा है, इसमें आई और जे नहीं होगा, सिर्फ आई होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में, सिर्फ एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट नहीं होगा, प्लस आई सीख जाएगा 50i। अब गुना का खुद करना, हम नहीं करेंगे, जोर लो समथिंग आई, आई को एक साथ कर देंगे, आई को एक साथ कर देंगे और जे को एक साथ कर देंगे, जोड़ लेंगे, ओके। जो वैल्यू आएगा उतना ही फोर्स से ब्लॉक मूव करेगा, जितना सोल्व करने के बाद वैल्यू आएगा उतना ही फोर्स से ब्लॉक मूव करेगा, ठीक। जो वैल्यू आएगा उतना ही फोर्स से मूव करेगा, ठीक, ओके। ठीक है, अच्छा चलिए थोड़ा आगे बढ़ाए, फर्स्ट फर्स्ट लिखो एडिशन ऑफ टू फैक्टर्स, थ्योरी को भी आगे बढ़ाना है, अब प्रैक्टिस में करते रहेंगे। एडिशन ऑफ टू फैक्टर्स,
जोड़ने का क्या तरीका है, वेक्टर को जोड़ने का क्या तरीका है। ठीक, देखो एक है पैरेललोग्राम मेथड, एक क्या बोलो पैरेललोग्राम मेथड, जिसका यूज हम नहीं करते और हम कहते हैं कि आप लोग भी मत करिए, आप लोग भी मत करिए। क्या तरीका सिखा देंगे, सिखा देंगे, लेकिन उसका यूज नहीं करना है। डायरेक्ट एंगल बेस कॉस। चलिए रिजल्टेंट, कॉपी कलम को बंद कर दिए, सिर्फ देखिए तुम्हारे पास तीर धनुष है, तीर धनुष, तीर धनुष नहीं जानता है, तीर धनुष। चलिए तो उसमें यही आपका तीर, ध्यान देना, और इसको कोई डोरी खींचा खींचा, ये एरो है, ध्यान देना बहुत सिंपल तरीका से हास्ते कदर बता देंगे। खींचे तो मान लो कि अगर डोरी अगर बीच में हो सकता है दोनों बराबर हो, बराबर नहीं भी हो सकता है। तो मान लो कि यह एफ वन है, स्ट्रिंग में टेंशन, टेंशन नेटर में टेंशन, तुम्हारे मन में पढ़ने का टेंशन, हमको पढ़ाने का टेंशन, धागा लटक जाओ, हर जगह टेंशन ही टेंशन है। तो टेंशन कुछ होता नहीं है, एक फोर्स ही होता है जिसका यूज हम लोग स्ट्रिंग के केस में करते हैं। स्ट्रिंग धागा, गेंडा सीने वाला धागा, स्ट्रिंग गेंडा समझते हैं ना, रजाई, हाँ। तो टेंशन पर, टेंशन एक फोर्स होता है, टेंशन फोर्स ही है, टेंशन फोर्स ही है जिसका यूज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो फोर्स होता है उसके लिए यूज करते हैं, समझ गए। चलो टेंशन खैर फोर्स मान लो खींचे तो ये लमड़ गया, हल्का तो लमड़ेगा ही ना, स्ट्रिंग में खींचे। अच्छा तो ये F1 है या F2 है, तो मान लो कि स्ट्रिंग वो इधर F1 है इधर है, तो जो एरो एरो तीर क्या तीर, तो जो तीर का जो डायरेक्शन होगा यही इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, समझ में आ गया। फिर से तीर खींचे धनुष ऊंचा, क्या बोल दिए, समझ में आ गया ना। तो खींचे तो यहाँ टेंशन T1 है, यहाँ टेंशन T2 है, या फोर्स को F1 है, फोर्स को F2 है, तो जो एरो जाएगा वन यही इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ठीक, अब ऐसा मत सोचना कि यह F2 है या F1 है तो वह बीच में जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, वह ऐसे भी जा सकता है, वह डिपेंड करता है कि F1 और F2 का वैल्यू क्या है, ऐसे भी जा सकता है और बीचों बीच भी हो सकता है, ये नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, कम से कम इतना समझ में आया ना कि नहीं समझ में आया है। गुड, तुम ऐसे करो प्रैक्टिकली, जैसे कि मान लो कि तुम है और या यू कहो कि ब्लॉक है, एक ब्लॉक तुम खींचा 50 न्यूटन से, कितना से 50 न्यूटन से, थोड़ा दोस्त पहलवान है, चलो छोड़ छोड़ो एग्जाम्पल चेंज करते हैं, एक ब्लॉक है तुम खींचा 50 न्यूटन से, कितना से 50 न्यूटन, 50 50, थोड़ा फ्रेंड भी खींचा 50 न्यूटन से, दोनों फोर्स का मैच्यूर बराबर एक नहीं है, बोल बराबर है, दोनों फोर्स का मैच्यूर बराबर है, दोनों फोर्स का मैच्यूर बराबर है, तो रिजल्टेंट जो होगा एकदम बीचो बीच, एकदम मिडिल, एकदम मिडिल, एकदम मिडिल रिजल्ट, डायरेक्ट एकदम एक दम मिडिल, एकदम बीचो बीच बाइसेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट जो है लिखना नहीं है, बाइसेक करेगा, मतलब रटना नहीं है, टर्म समझ, हम बोलना क्या चाह रहे हैं, तुम सीखो कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। एक बात समझ में आ गया, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो रिजल्टेंट जो होगा एकदम मिडिल बाइसेक करेगा, लेकिन दोनों तरफ का एंगल बराबर होगा, कुछ अल्फा मान लिया, पढ़ाओ कंफ्यूज मत हो, दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा, बात करो
सब मैथमेटिकल प्रूफ भी कर देंगे, समझ आएगा। अच्छा सेकंड एग्जाम्पल, सो मान लो तुम खींचा 50 से, तुम खींचा 50 से, थोड़ा फ्रेंड थोड़ा पहलवान है, फ्रेंड क्या है पहलवान है, बहुत ताकतवर है, वो खींचा मान लो कि 150 से, ठीक। मान लो कि दोनों के बीच का एंगल मान लो कुछ उसी बात चलो 70 डिग्री 70 लिख रहा मत कितना डिग्री 70 डिग्री, कितना डिग्री 70 डिग्री, तो यही होगा 35, यही होगा 35। लेकिन ध्यान है रिजल्टेंट इस पर नहीं होगा, क्या बोल फिर से, या कितना बोलो 50, ये कितना है 150, ये कितना है 50, ये कितना है 150, और दोनों के बीच कितना एंगल है 70। रिजल्टेंट जो होगा हमेशा भारी की तरफ होता है, किस तरफ भारी की तरफ, लेकिन भारी पर चलेगा नहीं, बस बस ये हो जाएगा। अब ध्यान दो, ये ज्यादा फोर्स था, ये कम फोर्स था, ये दोनों बराबर था, तो जब दोनों बराबर था रिजल्टेंट बीचो बीच, रिजल्टेंट बीचो बीच, रिजल्टेंट बीचो बीच, ठीक। लेकिन यह ज्यादा इससे तो रिजल्टेंट हल्का झुक गया, इस पर तो जाएगा ही नहीं, हल्का झुक जाएगा किसके तरफ, भारी के तरफ, नहीं समझ में। एक काम करो, मैं जितना बताए हैं पहले आप तीर धनुष बनाओ, इसको आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये बनाओ। अच्छा रिजल्टेंट उधर गया है, F1 ज्यादा हो किससे, F2 से, अगर F1 ज्यादा हो F2 से, अगर F1 ज्यादा F2 से तो रिजल्टेंट उधर झुक जाएगा झुक गया। अच्छा अगर F2 बड़ा है किससे बोलो, F1 से, इतना सिखाए हैं तो यह रिजल्ट दीजिएगा ना, रिजल्टेंट R जो है वो बीच से नीचे आ गया, यानी कि F2 बड़ा है किसे, F1 से, जो बड़ा होगा उधर घुस जाएगा, जो बड़ा उसे घूम जाएगा, ठीक। मैथमेटिकल प्रूफ भी है बताते हैं। एग्जाम्पल में अगर दोनों फोर्स बराबर था बीचों बीच, दोनों फोर्स बराबर था बीचों बीच, ये ज्यादा था ही कम था तो उधर शिफ्ट कर गया, ठीक। इसको लिख लो, तो नोट लिख लो लिखिए सब, अब स्केच कर रहे हैं क्या पढ़ाना है, स्केच कर रहे बाद आ जाएंगे, देखो पढ़ाना क्या है, तुम नोट लिखो, नोट क्या लिखना है, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो दोनों का रिजल्टेंट हमेशा बीचों बीच होगा, हमेशा बीचों बीच होगा, यानी कि नोट में द रिजल्टेंट ऑफ सब बोल के लिखे, बोल के आवाज आना चाहिए, यहां तक आवाज पहुंचा, चिल्लाओ, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑलवेज शिफ्ट या ऑलवेज बाइसेक्स मतलब मिडिल द एंगल गिवन वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो दोनों का रिजल्टेंट हमेशा बाइसेक्ट करेगा, जैसे एग्जांपल के रूप में, जैसे मान लो कि F1 ये F है, यह भी F है, यह थीटा है, यह थीटा है, तो रिजल्टेंट जो होगा यह R, यह थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 पर होगा, रिजल्टेंट जो होगा R थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 पर होगा, ठीक। अच्छा जैसे मान लो कि यह ब्लॉक है, यह 100 न्यूटन है, बोलो यह अभी 100 न्यूटन है, B
दोनों के बीच 120 डिग्री है, तो रिजल्ट कहाँ बोलो, रिजल्ट के द्वारा कितना पर बोलो, 60 पर और 60 पर। अब तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझा, दोनों बराबर होगा, रिजल्ट बीचों बीच होगा, रट जाओ, दोनों बराबर होगा, रिजल्ट बीचों बीच होगा, ठीक लिखो। अच्छा नोट को कंटिन्यू करो, अगला पॉइंट, अगर दोनों बराबर नहीं हो, दोनों बराबर नहीं हो तो रिजल्टेड किधर शिफ्ट करेगा। अरे ऐसे भी हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट में कि जिधर मेजोरिटी होता है उधर रिजल्टेड शिफ्ट करता है, समझ में आ गया, जिधर मेजोरिटी होगा ताकतवर होगा उधर शिफ्ट कर जाएगा, ये दुनिया का दस्तूर है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। सेंट्रल मास पढ़ाएंगे तो जिधर भारी होगा सेंट्रल मास उधर शिफ्ट कर जाएगा, ये अभी वहां यही चलता है, वहां भी यही रूल चलता है। खैर अगला कंटिन्यू करो, द रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑलवेज शिफ्ट towards heavier magnitude of force, towards heavier magnitude of force, the resultant of two unequal magnitude of vector always shift towards heavier magnitude of force, जिधर भारी होगा उधर shift कर जाएगा। जैसे मान लो कि ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, यह F1 है और यह F2 है, F1 है F2 है और यही मान लो कि रिजल्टेंट है, सॉरी एक्सिस बन बाई सेक्टर। सोचो कि अगर F1 ज्यादा हुआ F2 से, अगर F1 ज्यादा हुआ F2 से तो रिजल्टेंट ऐसी हो जाए, मान लो कि यह अल्फा है, यह क्या है बीटा है, नेटर अल्फा बोलते अल्फा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ठीक। तो एफ वन ज्यादा हो एफ टू से, एफ वन ज्यादा हो एफ टू से तो अल्फा कम जाएगा बीटा से, समझ में आ गया, जिधर फोर्स ज्यादा होगा उधर शिफ्ट करेगा या उधर से एंगल कम बनाएगा। अब नहीं बोले मुंह दिखा दे, देखो रिजल्ट किधर शिफ्ट करेगा, बोलो भारी की तरफ, क्या तरफ भारी की तरफ, अगर दोनों बराबर हो तो बीचो बीच। अच्छा बताओ मिडिल, अब बिटवीन दोनों एक ही है क्या, अलग है, अलग अलग। जैसे कि मान लो कि टू और मान लो कि फाइव, टू और फाइव का मिडिल क्या होगा, थ्री, थ्री ना होगा, नहीं कितना होगा, 3.5 होगा। दो और पांच का मिडिल क्या होगा, 3.5। अब बिटवीन क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, टू से लेके फाइव तक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ये होगा बिटवीन, ये क्या हुआ बिटवीन, ये क्या हुआ बिटवीन, ये हो मिडिल, मिडिल एक ही वैल्यू होता है, बिटवीन कुछ भी हो सकता है, समझा, बिटवीन कुछ भी हो सकता है बीच में, लेकिन मिडिल एडजेक्ट एक ही पॉइंट होगा, एकदम और ही आस, ओके ठीक। टॉपिक क्या होगा, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, बहुत सिंपल तरीका से, कॉपी बंद करो, कलर बंद करो, सुनो, ये मान लो ब्लॉक है, ठीक, कोई वेक्टर ए, वेक्टर ए का और फोर्स एफ का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दूसरा वेक्टर है बी है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो उतना जैसे हम बकबक कर रहे हैं कुछ तो मतलब होगा, रिजल्टेंट दोनों के बीच में ही होगा तो फिक्स ही कहा होगा, तय तय कुछ लिख लो,
देखो लेफ्ट है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स एट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स इज डिफाइंड एज। डिफिनेशन का पार जोड़ना है, आर जो होगा वह कुछ नहीं ए प्लस बी। ऐसे ही फिजिक्स में 90% थ्योरी जोड़ना ही होता है, बस जोड़ दो रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा। वेक्टर का रिजल्टेंट, फील्ड का रिजल्टेंट, फोर्स का रिजल्टेंट, सुपरपोजिशन सब में जोड़ना ही है। इसलिए बोलना है जिसको कोसाइन करने आ गया, वेक्टर को जोड़ करने आ गया, लगभग मैक्सिमम फिजिक्स समझ में आ गया। ठीक ओके ठीक है चलो। और जोड़ो ए ऐसे है, अरे क्या समझना है, ए का कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि ए ऑलरेडी हम लोग एक्स एक्सिस मान चुके हैं, ए का कंपोनेंट नहीं होगा। लिखेंगे ए आई, ठीक। बी का कंपोनेंट होगा क्योंकि तिरछा है, क्योंकि तिरछा है सबसे बेस्ट मेथड, ठीक है। एंगल बेस कॉस, ये बी कॉस आई वक्त बी साइन, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, ठीक है हो गया। तो B cos theta I, इसे बोलेगा कि नहीं समझ में आएगा, चौक हो जाकर मारे यहां से। A I हो गया, B cos theta I plus B sin theta J। अब I को एक साथ कर दो, A plus B cos theta, दो दिन से तो एक खेल रहे हैं, आज हम enjoy कर रहे हैं, मस्ती मार, ठीक। तो एक आई प्लस बी कॉस आई बी साइन जे, ठीक है इसको लिखो। तो या ए हुआ या बी हुआ, दोनों का रिजल्टेंट आर हुआ, मान लो कि यह कोई फाइव एंगल पर है, हो गया। इसको मिटा दें, मिटा दीजिए। ठीक है अच्छा, तो बताओ आर का मैग्नीट्यूड क्या हो, यानी जो रिजल्टेंट आया उसका कुछ तो वैल्यू होगा ना। तो हम पढ़ गए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कोफिशियंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ जे स्क्वायर, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सब जानता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा ए स्क्वायर, अब इसको स्क्वायर सब कर दो, बी स्क्वायर कॉस का थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, टाइम कितना, बस दो तीन मिनट और घबराओ नहीं, छोड़ देते हैं, इसका प्रैक्टिस नेक्स्ट डे करेंगे। अब एक दिन उब जाएगा, क्या करेगा उब जाएगा, ठीक। तो इसको बिठा देते हैं, ठीक ना, ठीक। सोच पा दो उबना नहीं, छोड़ दे रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वन हो गया ना, अब प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो इसको डायरेक्ट भी यूज करते हैं और आप भी करिएगा जरूरत पड़े, लेकिन आपको ये प्रोसेस मालूम होना चाहिए, ठीक है। और कितने एंगल पर, अब टाइम नहीं लेंगे, बहुत शॉर्ट में, कोफिशिएंट ऑफ जे बाई कोफिशिएंट ऑफ आई, ए और बी का रिजल्टेंट आर होगा, फिर से ए और बी का रिजल्टेंट आर होगा, ए और बी का रिजल्टेंट आर होगा, जिसका वैल्यू इतना आया, कितने एंगल पर होगा, जे बाई आई बी साइन थीटा बाई बोलो ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक इतना ही लिखेंगे। अच्छा इसके आगे कल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। एक लिख लो पहले उड़ा के था,
बस दो मिनट में, पैरेललोग्राम मेथड जिसका यूज हम नहीं करते हैं, और पढ़ लो, आप भी नहीं कीजिएगा, आप भी नहीं कीजिएगा। जानने के लिए बता रहे हैं, मेरा एक एंगल बेस कॉस्ट चलता है, और कैलकुलस से डिफरेंशिएशन हम पढ़ा चुके हैं, बच्चा प्रैक्टिस करेगा जब भूल जाएगा हम खत्म हो जाएगा। ओके, जहां जरूरत होगा हम हर टाइप का मैथमेटिक्स बताएंगे, मैथमेटिक्स। लेकिन हाँ एक चीज और, आगे पढ़ने से ज्यादा अच्छा है पीछे का याद रखना, याद रखना, आगे पढ़ने ज्यादा अच्छा है पीछे का याद करना। मैं वीक में एक बार थोड़ा सा रिपीट करना चाहिए, ऐसे ही पेज पर देखो, पैरेललोग्राम मेथड वेक्टर से हम लोग खुल के पढ़ेंगे, एनुमेरिकल को बनाएंगे। और आप लोग बुक नहीं खरीद रहे हैं, हमको पता चला है कि बुक नहीं खरीद रहे हैं, बुक मंगाइए, कैसे मंगाइएगा आप जानिए, लेकिन आजकल तो ऑनलाइन भी लोग मंगा लेता है। खैर, पैरेललोग्राम मेथड, कौन मेथड, पैरेललोग्राम मेथड, देखो कुछ नहीं है, ए है और क्या है, बी, कितना एंगल है, थीटा, ठीक। करता क्या है, इसके पैरेलल एक खींच लीजिए लाइन, हो गया। तो अगर यह वेक्टर भी है, पैरेलल दिखाए क्या, तो तीर है ना, तू लो पैरेलल खींचो, तू लो आर्टिस्ट है, हो गया बी। तो स्वाभाविक है यह अगर थीटा होगा, यह भी थीटा होगा, तो बोल ना, गुड, इसको तुम मिला दो, मिला दिए, यह बन गया पैरेललोग्राम, क्या बन गया, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वह रियल टर्न देगा, समझ में आ गया, फिर से ये ए है, क्या है, बी है, ए है बी है, तो बी के पैरेलल एक लाइन कीजिए, ठीक, इससे बना लिए पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, डायगोनल वो रियल टेंट होगा, तो आर का वैल्यू कितना होगा, ये क्वेश्चन है, हो गया। इस पर डाल देंगे परपेंडिकुलर, कुछ नाम दे दो, ओ ए बी पी, कुछ भी नाम दे दिए, सोचो ये बी है, ये थीटा है, कितना आ जाएगा, बोलो, बी कॉस थीटा, ठीक है, आ जाएगा बी साइन थीटा, इसमें टाइम नहीं लेंगे। ओके, तो आर कितना, देखो आर इज इक्वल टू क्या हुआ, यह पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस ओए प्लस एम का स्क्वायर, एम पी का स्क्वायर, नहीं समझा, आर इक्वल टू ओए प्लस एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर, यानी कि ओए कितना हुआ, ए एम बी कॉस का स्क्वायर, एम पी बी साइन थीटा का स्क्वायर, आगे सिमिलरिटी आ गया, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, करो कितना आएगा, कितने एंगल पर, फाइव, टेन फाइव क्या होता है बताओ, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में एम पी बाय ओ एम, ए पी कितना हो गया, बी साइन थीटा बाई ओ ए, ए प्लस बी कॉस थीटा, रियल मैच कर गया, ये भारी की आसान है, आसान है भाई, लेकिन हम इसको इस मेथड को फॉलो नहीं करते हैं, अब लोग जान लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट डे हमको, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस पर और इस पर, ठीक है, बाय।